नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डीडी फिडिस के एमपीजी टू बॉक्स में अगर 250 से अधिक स्लॉट कर दिए जाएं प्रसार भारती की तरफ से, या ये कहें कि डीडी फिडिस के एमपीजी टू बॉक्स में 250 से अधिक चैनल लॉन्च कर दिए जाएं, तो दोस्तों मज़ा ही आ जाए। आप सभी लोगों के पसंदीदा सभी चैनल लॉन्च कर दिए जाएंगे, सभी चैनल बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों स्लॉट की कमी होने की वजह से ही बहुत से ऐसे चैनल हैं जो डीडी फिडिस पर आ नहीं पाते हैं, लॉन्च नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो बड़े ब्रॉडकास्टर हैं वो अधिक से अधिक बोली लगाकर स्लॉट तो जीत जाते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो डीडी फिडिस पर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सोर्सेस से ये अपडेट मिल रहा है कि प्रसार भारती की तरफ से नए स्लॉट ऐड किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रसार भारती की तरफ से ये अपडेट मिल रहा है कि नए ट्रांसपोर्टर खरीदे जा रहे हैं, जिससे कि अब नए स्लॉट ऐड किए जाएंगे। और दोस्तों, अगर नए स्लॉट 250 से अधिक हो जाते हैं तो डीडी फिडिस के दर्शकों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि डीडी फिडिस के दर्शकों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा चैनल देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों 250 चैनल कम नहीं होते हैं, और जितने भी पसंदीदा चैनल हैं, जितने भी फेमस चैनल हैं, वो सभी चैनल डीडी फिडिस पर आ जाएंगे। या ये कहें कि डीडी फिडिस के एमपीजी टू बॉक्स में अगर स्लॉट की कमी नहीं होगी तो जो भी चैनल डीडी फिडिस के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होना चाहते हैं, एमपीजी टू बॉक्स में लॉन्च होना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से लॉन्च हो जाएंगे। जब स्लॉट की कोई कमी नहीं होगी तो जो भी चैनल लॉन्च होना चाहता है ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके और बोली लगाकर बहुत ही आसानी से स्लॉट जीत कर डीडी फिडिस के एमपीजी टू बॉक्स में लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों, अभी तक प्रसार भारती की तरफ से जब भी कोई ई ऑक्शन करवाया गया है, चाहे हम एनुअल ई ऑक्शन की बात करें या बीच में कोई ई ऑक्शन होता है उसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ स्लॉट की कमी की वजह से ही चैनल नहीं आ पाते हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो डीडी फिडिस के प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं लेकिन स्लॉट नहीं है, स्लॉट की कमी की वजह से वो चैनल नहीं आ पाते हैं, और इसी वजह से जो बड़े ब्रॉडकास्टर हैं वो अधिक से अधिक बोली लगाकर स्लॉट जीत लेते हैं और वही चैनल सिर्फ लॉन्च होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि डीडी फिडिस कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये एक सरकारी कंपनी है, सरकारी संस्था है, और यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार की तरफ से प्रसार भारती को बहुत पैसे मिलते हैं, और इसी वजह से अब प्रसार भारती ने ये फैसला किया है, सोर्सेस से ये अपडेट मिल रहा है कि नई टीपी प्रसार भारती की तरफ से खरीदे जाएंगे। और दोस्तों, जब नई टीपी खरीद लिया जाएगा तो प्रसार भारती की तरफ से नए स्लॉट भी ऐड किए जाएंगे। अब दोस्तों, सोर्सेज की तरफ से अपडेट यही मिला है कि कुल मिलाकर डीडी फिडिस के एमपीजी टू बॉक्स में 250 स्लॉट हो जाएंगे, कुल मिलाकर 250 चैनल लॉन्च हो सकते हैं अगर स्लॉट बढ़ाए जाते हैं तो। अब दोस्तों, अगर 250 चैनल लॉन्च हो जाते हैं डीडी फिडिस के एमपीजी टू बॉक्स में, तो डीडी फिडिस के दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि डीडी फिडिस के दर्शकों के सभी पसंदीदा चैनल उनको डीडी फिडिस पर ही देखने को मिलेंगे। डीडी फिडिस के दर्शकों को ना ही पेड डीटीएच लगवाना पड़ेगा, ना ही केबल कनेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी पसंदीदा चैनल डीडी फिडिस पर ही देखने को मिल जाएंगे। बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेंगी, इसके साथ ही बेहतरीन सीरियल भी डीडी फिडिस के चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, डीडी फिडिस के दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं साल 2024 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। डीडी फिडिस के दर्शकों का मनोरंजन भी 2023 के मुकाबले 2024 में ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।